नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube तक चैनल में। दोस्तों, 2 GB और 1.5 GB इंटरनेट जो आपको मिलता है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ता है आज के टाइम में। जिस तरीके से जियो ने 1.5 GB इंटरनेट पर डे देने का जब से मतलब स्टार्ट किया है, उसके बाद से 1.5 GB और 2 GB, यहाँ तक कि 3 GB इंटरनेट कम पड़ता है पूरे दिन यूज करने के लिए। क्योंकि अब सभी लोगों की आदत पड़ चुकी है कि YouTube पर ऑनलाइन वीडियो देखना, कोई भी वीडियो देखनी है या कोई भी सर्च करना है Google पर, तो ऑनलाइन ही सभी कुछ सर्च करेंगे। यही अगर हम 2 साल पीछे चले जाएं, 2016 में जब जियो नहीं था उसके पहले, तो फिर 1.5 GB और 2 GB के लिए आपको 399 299 रुपये देने होते थे और आपको एक महीने के लिए ये डाटा मिलता था। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें, आपको मैं बताऊँ, कुछ ऐसे तरीके बताने की कोशिश करूँगा जिन तरीकों से आपके 2 GB पूरे दिन तो चल ही जाएंगे, कम नहीं पड़ेंगे। आप ये कभी कभी सोचते होंगे कि आज मैंने इंटरनेट यूज बहुत कम ही किया है, फिर भी मेरे मोबाइल पर 50% का मैसेज कैसे आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं, उस ऐप की वजह से ही आपका इंटरनेट ख़त्म हो जाता है। ये समझ लीजिए कि आपका जो इंटरनेट 50% है आपके ऐप्स ही ख़त्म कर देते हैं। उससे कैसे आप बचें, मैं बताऊँ आपको। दोस्तों, आपको मैं मोबाइल पर ले चल रहा हूँ अपने, और वहाँ पर कुछ ऐसी सेटिंग हैं जिन सेटिंग को मैं बताऊँगा, और हो सकता है कि आपका इंटरनेट 2 GB पूरे दिन से ज़्यादा चलने लगे, यहाँ तक कि बच भी जाया करे। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आपको जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो आइए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद आपको एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको इंस्टॉल ऐप में जाना है। इंस्टॉल ऐप में जाने के बाद आप उन जो ऐप आप यूज नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो ऐप आप यूज नहीं करते हैं उस ऐप को आप क्लिक कर दीजिए, उस ऐप के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और उस ऐप के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसको आप फोर्स स्टॉप क्लिक कर दीजिए। इससे ये बेनिफिट आपको होगा कि जिस ऐप का आप यूज नहीं करते हैं उस ऐप को आप बंद कर रहे हैं। मतलब आपके मोबाइल में तो होगा वो ऐप, लेकिन आप उस ऐप को बंद कर रहे हैं कि वो डाटा आपका नहीं यूज करेगा। इसका एक तरीका दोस्तों और भी है कि आप गूगल प्ले स्टोर से उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए जिस ऐप का आप यूज नहीं करना चाहते हैं। और दूसरा आपको तरीका मैं बता दूं कि जैसा अभी आप गए सेटिंग में, सेटिंग के बाद आप एप्लीकेशन में गए, उसके बाद आप इंस्टॉल्ड ऐप में गए थे, इंस्टॉल्ड ऐप के नीचे जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है फ्लोटिंग विंडो लिखा हुआ है। फ्लोटिंग विंडो में जब आप टिक करेंगे तो वहाँ पर कुछ ऐप्स दिखाई देंगे, जिन ऐप को आपने ऑलो कर रखा है उस ऐप को आप डेनी कर सकते हैं। जैसा कि अभी यहाँ देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर कुछ ऐप्स को परमिशन जो दे रखा है उस ऐप में से, जैसे फेसबुक पर यहाँ पर मैंने परमिशन दे रखी थी, उस ऐप को मैंने अभी परमिशन हटा दी है। जो आपका इंटरनेट खर्च कर रहे थे बैकग्राउंड ऐप, ये इंटरनेट अब खर्च नहीं होगा। इससे आपका इंटरनेट तेज चलेगा और आपका 2 GB पूरे दिन से ज़्यादा चलेगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमारा, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपसे ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास मेरी सारी वीडियो पहुंचती रहेंगी। सब्सक्राइब आपको कैसे करना है मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत से मित्र हमारे ऐसे जो सब्सक्राइब कर लेते हैं उसके बाद वो दोबारा जब क्लिक कर देते हैं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। जब सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हो तब समझ लीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और जब आप सब्सक्राइब ब्लैक कलर में कर देंगे तो आप ये समझ जाइएगा कि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। और बेल आइकन पर जब आप टिक कर देंगे तो बेल आइकन पर दो साइड में डॉट बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही चाहिए हमें। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।